वेलकम टू द नॉलेज टेक चैनल। आज का जो वीडियो है इंस्टाग्राम वॉल प्रोफाइल एडिटिंग फ़ोटो पर होने वाला है। स्क्रीन पर जो फोटो आप देख पा रहे हैं, यदि आप इस तरीके की फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो गाइस यार आप लोगों को सिंपली मेरा वीडियो आखिर तक देखना होगा। फ़ोटो एडिटिंग को लेकर खास वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना होगा ताकि मैं तब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एडिट फ़ोटो पर जाना है। एडिट फ़ोटो पर जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद टूल्स पर क्लिक करना है और क्रॉप कर लेना है अपने बैकग्राउंड को अपने हिसाब से। तो मैंने इसे क्रॉप कर लिया है। उसके बाद अगेन टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद सेचुरेशन पर क्लिक करना है और सेचुरेशन 20-25 अराउंड हम कर देते हैं एंड राइट क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक हो जाने के बाद आपको करना क्या है, वहाँ से आपको इमेज ऐड करनी है। ऐड फोटो, यहाँ से आपको इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करना है, जो मैंने पहले से लिया हुआ है मैं उसे ऐड करने वाला हूँ। तो हमने इसे हमारी साइज़ के अनुसार अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है और अब इसके बाद हमें नीचे से स्क्रॉल करना है और ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद राइट क्लिक करके इसे सेट कर देना है एंड देन हमें जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पर अगेन। फिर उसके बाद एडजस्ट पर जाना है। एडजस्ट पर जाने के बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देना है और फिर राइट क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ऐड फोटो पर जाना है और वो वाली फ़ोटो ऐड करनी है जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव करके रखे हुए हैं। यदि आपको गाइस फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वहां से उसे सिंपली देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे फ़ोटो का या फिर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। तो मैं यहां से इसे ऐड कर लेता हूं। अपनी फ़ोटो के हिसाब से मैं इस इमेज को बड़ा कर लेता हूं। और यहां पर मैं सेट कर देता हूँ। देन आपको क्लिक करना है शेडो पर। शेडो के बाद आपको ब्लर कर देना है 100 और ओपेसिटी आपको कर देनी है 100, ओपेसिटी 85 एंड देन आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको अगेन टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद आपको एडजस्ट पर जाना है और टेम्प यहाँ से थोड़ा टेम्प कम कर देना है -28 एंड देन क्लिक ओके। और इसके बाद आप इसे सिंपली सेव कर सकते हैं सेव इन गैलरी।
यहाँ से आप इसे GIF भी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको फ़ोटो दिखा देते हैं कि हमने किस तरीके की फ़ोटो एडिटिंग की है। तो गाइस आप सिंपली देख सकते हैं कि जो हमने फ़ोटो एडिट किया है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो इसी तरीके की कुछ और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊँ तब आप मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।